हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल कॉन्वर्सेशन विद अ वर्ल्ड चैंपियन। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में वर्ल्ड चैंपियन, एंड 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 दैट स्माइल सेज इट ऑल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इजंट इट नीतू। आपका सारे बाउट्स हमने देखा, बट वो फाइनल में जो अग्रेशन दिखा, जो अच्छा पहले तो ये बताइए, कॉमनवेल्थ गेम्स अलग बात है, होम क्राउड के सामने वर्ल्ड चैंपियन बनना, तिरंगा लहरा देना, राष्ट्रगान बजा देना, 130 करोड़ भारतीय आपको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू नो, हैज इट संक इन आप वर्ल्ड चैंपियन हो? तो ये गोल्ड मेडल जीतकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा कई सालों से जो मैं मेहनत कर रही थी, वो मैंने परफॉर्म किया रिंग में और मैं ये मेडल जीत पाई हूँ। और हमारे जो इंडिया में ये होस्ट हो रही थी वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो इसका भी बहुत फायदा मिला है मुझे, क्राउड का काफी सपोर्ट मिला है। ये क्राउड कितना इंपॉर्टेंट होता है, सब चिल्ला रहे थे आपके फेवर में, हम लोग तो घर से चिल्ला रहे थे, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? तो ये मैं और भी कॉन्फिडेंट कर रहा था मैं लड़ने के लिए, और हमारे ओपोनेंट पर भी बहुत प्रेशर हो रहा था इस चीज का कि इतना क्राउड है, इतना सपोर्ट मिल रहा है हमें। नीतू दो तीन सवाल, पहला सवाल तो यह है कि भास्कर साहब कोर्ट के आपका रिंग के बगल से जितना जोर से चिल्ला रहे थे, मैं सोच रहा था उनको कुछ हो ना जाए, सो भास्कर साहब वाज दैट इन्वॉल्वड? आई मीन फर्स्टली द रोल ऑफ योर कोचेस, बिकॉज हम लोग एथलीट को सेलिब्रेट करते हैं, आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि कोचेस को सेलिब्रेट करना, आपके पेरेंट्स को सेलिब्रेट करना, जब फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड 70 किलोमीटर्स टू सेलिब्रेट योर फादर, हाउ इंपॉर्टेंट हैज द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड कोचेस? फैमिली का और हमारे कोचेस का, सपोर्टिंग स्टाफ का बहुत, हम सालों से मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, इस मेडल के लिए, तो पूरा जी जान से हम मेहनत कर रहे थे हमारे टारगेट को पूरा करने के लिए। तो मैं, हमारे हेड कोच सर हैं भास्कर सर, तो उनके साथ मैं 2017 से मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ उनके पास, तो जितना मैं रिंग में खेल रही थी उससे ज्यादा जोर हमारे कोचिंग का सेकंड से लग रहा था, पूरा जी जान लगा रखा था उन्होंने कि बस ये मौका छोड़ना नहीं है, जो हमारा एम है वो पूरा करना है हमें। और आपके पिताजी पहले दिन भिवानी बॉक्सिंग क्लब में लाने से आज तक, आई मीन उनका जो सपोर्ट रहा है आपके करियर में, दैट इज समथिंग फिनोमिनल, उसके उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया इतने, मेरे पापा ने जॉब भी छोड़ी है मेरे ट्रेनिंग के लिए, तो काफी दिक्कतें भी आई लेकिन उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, काफी सपोर्ट किया है फैमिली ने भी। दो और सवाल, पहला सेमीफाइनल अगर मैं देखूं नीतू, पहला राउंड आप 3-2 से पिछड़ गए थे, द नेक्स्ट राउंड यू वर ब्रिलियंट, आई मीन आपका जो गेम है अटैकिंग गेम है, बट उस गेम में आपने स्ट्रैटेजी भी बदल लिया, यू वर सो मच्योर, वो सेमीफाइनल के बारे में बताइए। फाइनल तो आपने डोमिनेट किया पूरा, बट वो सेमीफाइनल वाज अ क्लोज फाइट, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो लास्ट साल भी हमारा टारगेट यही था कि हम वर्ल्ड चैंपियन बने, और जो हमने देखा था कि थोड़ा काउंटर गेम है तो हम उसी से खेले थे, लेकिन हमने कोचिस के साथ काम किया, तो अब की बार यही था कि हमें फर्स्ट राउंड से ही एग्रेसिव रहना है। वो फर्स्ट राउंड 3-2 में आया था, तो सर ने मुझे बताया था ठीक है कोई बात नहीं, अभी मतलब प्रेशर नहीं लेना, कहीं प्रेशर लेने के चक्कर में थोड़ा डाइवर्ट हो जाए गेम से, तो थोड़ा कहीं ना सेकेंड राउंड पूरा दिमाग से खेल के और उसको कंट्रोल में करना है, तो मैंने वही किया सेकंड राउंड में, फिर बढ़त बनाई। आगे क्या, अभी एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियन तो आप ऑलरेडी हो, अभी आगे और भी आपको करना है, दैट इज द मोटिवेशन नाउ टू मेक इंडिया प्राउड आगे जाते हुए? तो अभी मैं अपने कोचिंग से डिस्कस करूंगी, जो भी मुझे प्लान होगा बताएंगे, तो मैं उसी पे अपना काम करूंगा। आपको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, आपने इतना बड़ा चैंपियनशिप जीता है, आप सेलिब्रेट करो, हम लोग सबको आप पे फखर है और गर्व है, और आपको कंटिन्यूअस हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे, आप अच्छा करते रहिए। वेरी वेरी वेल डन, मेनी कंग्रेचुलेशन। और मैं साई का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, BFI का, इतना सपोर्ट किया है उन्होंने, हर एक चीज हमें, डाइट और खेल का सामान, हर एक चीज हमें आगे से आगे मिल रही है, और हमें इसलिए हमारी अचीवमेंट्स भी बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो मैं साई का धन्यवाद करना चाहती हूँ। एब्सोल्युटली, और वो अजय सिंह जी कल मेरे शो में भी थे, वो आपको कंग्रेचुलेट कर रहे थे, वो भी बहुत खुश है, बॉक्सिंग फेडरेशन, आई एम श्योर संदीप प्रधान एंड द गवर्नमेंट विल बी वेरी हैप्पी,
एक कलेक्टिव एफर्ट है, साई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीएफआई, आप लोग, कोचेस, एथलीट्स, मीडिया, पब्लिक, सब मिला के हम भारत है और आज भारत का तिरंगा आपने लहरा दिया। वेल डन, वेरी वेल डन। आप लोगों का संघर्ष जो हमारे खिलाड़ियों के प्रति रहा है ना, इतना जबरदस्त सपोर्ट आप लोगों ने हमारे खिलाड़ियों को किया है, आज उसी का परिणाम है कि पूरी तरह हमारे खिलाड़ी छाए हुए। तो इसी तरह आप हमारे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहिए, उनको वर्ल्ड फेम करने में आप सबसे बड़ा योगदान है। तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह हमारे खिलाड़ी को और आगे बढ़ाएं। 100% आपको भी कांग्रेचुलेशंस भास्कर साहब। थैंक यू, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड नीतू। वेल डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।